सर्दी का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज हो रहा होता है वैसे ही सर्दी, जुकाम और गले की खराश, इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम हमेशा बच्चों को देखने को मिलती है। गाइस, इस मौसम में अगर हम पहले से ही इसका उपाय कर लें, कोई रेमेडी ऐसी हो जिससे कि हमें सर्दी जुकाम वगैरह छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े, तो कितना अच्छा हो। मैं आपके साथ कैंडी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसको बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। ऐसी सिर्फ सर्दी जुकाम से ही नहीं आपको रिलीफ देगी, ज्वाइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, तो ऑल ओवर आपके शरीर को ये बहुत ही फायदा देने वाली है। एक बार आप इसको बनाकर रख लेंगे तो आप महीनों तक इसको यूज कर सकते हैं। आइए देखें इसे कैसे बनाना है। हेलो गाइस, मैं सुमन सिंह, मेरे इस चैनल होममेकर सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस रेमेडी को हम अदरक से बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि अदरक हमारी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। काफ़ी पुराने टाइम से ही अदरक को सर्दी जुकाम की दवा के रूप में यूज़ किया जा रहा है और किचन में ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसका जो स्वाद होता है बहुत ही तीखा होता है। बच्चे इसे इस तरह से तो नहीं यूज़ करेंगे, तो आपको भी पता है। तो आज हम इसकी कैंडी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम अदरक ले ली है और उसे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। गाइस, यहाँ पर हमें पानी को यूज़ नहीं करना है, तो पहली बार में ये बहुत अच्छे से नहीं पीस पाता है। आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी छोटे छोटे चंक्स हैं। गाइस, अब इसी जार में हम तुलसी के कुछ पत्ते भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ताज़े पत्ते ले रही हूँ, करीब 15 से 20 पत्ते हैं। आप चाहें तो सूखे पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है कि तुलसी भी गले के लिए बहुत अच्छी होती है, सर्दी जुकाम में हमेशा यूज़ की जाती है, तो आप इसको ले लें। अब इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी को भी ऐड कर दे रहे हैं। गाइस, कभी कभी ये होता है कि अदरक बहुत अच्छे से पिस नहीं पाती, अगर नहीं पिस पा रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी को मिक्स कर दिया, अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। गाइस, पानी को मिक्स करने से हमारी अदरक बहुत अच्छे से पिस गई है, तो इसमें जो छोटे छोटे रेसे हैं ये तो रहेंगे ही, क्योंकि अदरक में आपको पता है काफ़ी रेसे होते हैं। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हम इसे छानेंगे नहीं, ना ही हम इसका रस निकालेंगे, हम इसको यूं ही यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे एक बोल में ले लेते हैं। अब कैंडी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। इसमें हम 2 से 3 मिनट के लिए अपने अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो आपको पता है गैस कि अदरक का जो स्वाद होता है बहुत ही तीखा होता है, ऐसे तो बिल्कुल भी ये नहीं खाई जाएगी। तो इसमें हम मीठेपन के लिए थोड़ा सा गुड़ यूज़ करेंगे। तो गैस, यहाँ पर आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का बुरादा ले सकते हैं। तो जितनी अदरक है उसके लगभग डबल आपको गुड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम करीब अदरक ली हुई थी, तो करीब हम यहाँ पर 250 ग्राम तो गुड़ ज़रूर लेंगे। तो एक कटोरी मैंने इसमें ऐड कर दी है, आधा कटोरी गुड़ को हम और इसमें ऐड करेंगे। गैस, गुड़ को मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, इससे हमारा गुड़ जलेगा नहीं और हम इसे अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। गैस, सर्दियों में गुड़ बहुत ही फ़ायदा करता है और जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर मिक्स करेंगे। गैस, यहाँ पर मैंने छोटी चम्मच से आधा चम्मच इसमें काली मिर्च के पाउडर को मिक्स कर दिया और इसके साथ ही चुटकी भर हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा शहद भी मिक्स करेंगे। गैस, आपको पता है कि शहद भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो 3 चम्मच हम यहाँ पर शहद भी इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि गले में जो आप देखेंगे बच्चों को खांसी आती है तो उसके बाद गले में बहुत ही खराश हो जाती है, तो उसको ये शहद बहुत अच्छे से कम कर देता है। जैसे आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट में हमारा मिक्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब तक ये थोड़ा ड्राई ना हो आप इसको पकाएं। तो अब जब इस तरह से खुली कढ़ाई में हम इसको बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। बस गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। अब लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच जिंजर के पाउडर को भी मिक्स करेंगे। गैस, अगर आपके पास जिंजर का पाउडर है तो आप इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मिक्सचर है इसका बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो जैसे ही हमने इसको मिक्स किया हमारा मिक्सर बहुत जल्दी ड्राई हो गया और इसने कढ़ाई को आप देख रहे हैं कि छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। गैस, इस पूरी रेसिपी को आप चाहें तो सिर्फ जिंजर पाउडर से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 1 कप जिंजर पाउडर लेना है और उसी से डबल आपको गुड़ लेना है। गाइस, अभी तो आपको ये मिक्सर थोड़ा सा गीला लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा गुड़ एकदम से ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो करीब आप 3 से 4 मिनट में ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे, इसे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देना है, थोड़ा जब ये गर्म रहे तभी हम इससे गोलियाँ बना लेंगे।
ऐसे बहुत ही परफेक्ट हमारा मिक्स बना है और इससे बनी हुई गोलियां काफ़ी टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो छोटी छोटी या फिर थोड़ी बड़ी साइज़ की आप इस तरह से गोलियों को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और भी देती हूँ कि थोड़ा सा अदरक का पाउडर हम ले लेंगे, जिसके ऊपर हम अपनी बनी हुई गोलियों को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ऐसा करने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो गैस हमने सारी गोलियों को बना लिया है। गैस यहाँ पर मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की गोलियाँ बनाई हैं, जो करीब 30 गोलियाँ बन गई हैं। आप छोटी छोटी बनाएंगी तो 50 बन जाएंगी। तो जितने दिनों के लिए आपको बनानी है, जितने लोगों के लिए बनानी है, उसी रेशियो में आप अदरक को और गुड़ को लेकर के इसको बना सकते हैं। गैस मैंने जिस साइज़ की गोली बनाई है, तो बच्चों को आप एक गोली से ज़्यादा एक दिन में ना दें, बड़े आप इसको दो गोली ले सकते हैं। आप किसी डिब्बे में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, आप फ्रिज में इसको स्टोर करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक ये चलेंगी। तो गैस आप देख रहे हैं कि अंदर से भी काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारी गोलियाँ बनी हैं, जो स्वाद में तो अच्छी हैं, हेल्दी बहुत हैं। तो इस पूरी सर्दी में ये बहुत ही काम आने वाली हैं। आप इनको बना करके रख लीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गैस आपके काम आने वाली होम रेमेडीज़ की और भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।